లలాచ పే హే చంద్రమా, లలాచ పే హే చంద్రమా, చంద్రమా చంద్రమా, జటా మే గంగధార హే, జటా మే గంగధార హే, గంగధార హే, లలాచ పే హే చంద్రమా, జటా మే గంగధార హే, చది హే భస్మ అంగ పే, గలె మే సాపహార హే, గలె మే సాపహార హే, नवार है शेष देव सर तुम्हारी भक्ति में, है ज्योति सूर्य का प्रकाश, शिव तुम्हारी शक्ति में, शिव तुम्हारी शक्ति में, शिव तुम्हारी शक्ति में, शंकर भोले भाले तुझे Oh,
जाने करके नाना रूप तेरा का संग संग तेरे नाचे संग संग तेरे नाचे तेरा किसी ने भी तेरा किसी ने भी बेदान पाया किसी पाया भाई तुझको तो नंदी की सवारी ओ शंकर भोले बाले तेरा प्यारी त्रिपुरारी तेरी लीला का दुसार तेरी नारी ओ शंकर भोले बाले तेरा प्यारी त्रिपुरारी तेरी लीला का दुसार तेरी नारी शंकर जहां भी तेरा दम 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 बाजे शिव शंकर हे प्रियंकर हे शिव शंकर हे प्रियंकर हे शिव शंकर जहां भी तेरा दम 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 बाजे करके नाना रूप लेकर संग संग तेरे नाचे संग संग तेरे नाचे तेरा किसी ने भी तेरा किसी ने भी बेदान पाया किसी माया भाई तुझको तो नंदी की सवारी ओ शंकर भोले बाले शेरा प्यारी त्रिपुरारी तेरी लीला का दुसार तेरी नारी ओ शंकर भोले बाले शेरा प्यारी आडंबर अंधता
और अंधश्रद्धा फैली हुई है। किंतु जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार नहीं, वो शिव जी को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी प्रकृति इस प्रकार की है कि वो समझने के लिए सबसे पहले मनुष्य को उस स्थिति में पहुंचना चाहिए जहां पर सारे ही उदार, सारे ही महान तत्व अपने आप विराजित है। उनके लिए कहा जाता है कि वो भोले शंकर। आजकल बुद्धिवादी बहुत से निकल आए हैं संसार में और अपनी बुद्धि की उड़ान से जो चाहे वो पटा लिखा कर, और फिर कहते हैं कि ये शिवजी तो भोले हैं। किसी का भोला होना बुद्धिवादियों के हिसाब से तो एकदम ही बेकार चीज है। आजकल जितना आदमी चालाक और धूर्त होगा वही बड़ा यशस्वी हो जाता है। तो ये भोले शंकर, इनका भोलापन कैसे समझा जाए? आजकल के संसार में तो लोग सोचते हैं जो आदमी भोला होता है वो बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल बेवकूफ। लेकिन शिव जी का भोलापन ऐसा है कि जहां वो सब कुछ है, एक समझ लीजिए जरूरत से ज्यादा कोई बड़ा ही श्रीमंत रईस आदमी हो जाए और उसको विरक्ति आ जाए और उसका लोग धन उठा के ले जाए, तो लोग कहेंगे अजीब भोला आदमी है, इसके लोग धन चुरा रहे और इस पर कोई असर ही नहीं। लेकिन जब वो विरक्ति आ गई तो उस धन का उसको जब महात्म्य नहीं रहा तो अपने भोलेपन में बैठा है, उसी को भोलेपन की पन का मन उठा रहा है। जब सब चीजें अपने आप हो ही रही है, सब जब कार्यान्वित ही है, तो शिव जी का उसमें अलभाव क्या रह जाता है कि वो भोलेपन से सब देखते रहे, कि वो साक्षी सुख होकर के शक्ति का कार्य देखते रहे। शक्ति ने सारी सृष्टि रचाई और शक्ति ने ही सारे देव देवताएं बनाए और उनके सारे कार्य बना दिए, उनकी नियुक्ति हो गई और अब शिवजी को क्या काम? शिवजी को बस देखना पाल और उनके देखने में ही सब कुछ आए। उनके भोला पन का जो असर है वो ये है कि जिस पे उनकी दृष्टि पड़ जाए वही तर जाए, जिसके तरफ उनका चित्त चला जाए वही तर जाए। कुछ उनको करने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए सब खेल। जैसे बच्चों के लिए खेल होता है, सिर्फ परमात्मा के लिए भी ये सारा एक खेल है। वो देख रहे उस भोलेपन में एक चीज और निहित है, जो भोला आदमी होता है, सत्यवादी होता है, अच्छाई से रहता है, वो जब देखता है कि कोई बहुत ही दुष्ट उनसे मुठभेड़ ले रहा है तब उसको बड़े जोर से खोल रहा है।
भोले आदमी का क्रोध बहुत जबरदस्त होता है। चालाक आदमी होगा तो वो क्रोध को इधर उधर घुमा देगा, उसको कुछ ऐसा बना देगा कि उसकी प्रखर जो कुछ किरणें है वो शांत हो जाए। लेकिन भोला आदमी जो होता है वो हंसते ही रहता है, ये क्या मेरे ऊपर वार कर सकता है। ये शिव जी का जो गुण है वो हम सहयोगी में आना जरूरी है। इस वक्त हम छोटी छोटी बातों को अपनी सोचते रहते हैं, सत्य मतलब सोचेंगे इसके लिए क्या करना चाहिए, कहां के लिए क्या करना चाहिए, इसकी योजना कैसे करनी चाहिए, प्लान कैसे बनाने चाहिए, दुनिया भर के जैसे शिव जी ने शक्ति पर सब छोड़ दिया है, आप लोग भी सब कुछ शक्ति पर छोड़ सकते हैं। लेकिन वो भी फिर एक स्थिति आनी चाहिए, वो भोलापन आपके अंदर आना चाहिए। इस भोलेपन का मतलब यह है कि किसी तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर आ ही नहीं सकती, इसीलिए आप बोले हैं कोई चीज आपको छू ही नहीं सकती तो आप बोले पिता में परेशान क्यों न, सांप लौटा है तो सांप को लौट कर, जहर पिला तो जहर पी ले। होना क्या है, जो बिल्कुल विशुद्ध है जिसमें कोई भी चीज का असर ही नहीं आ सकता, जो समर्थ है जिसकी शक्तियां स्वयं ही रक्षा करें, उसका प्रभाव क्या करें क्या करें। ये शक्ति हमारे अंदर शिव तत्व से आती है, किंतु शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए पहले आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। कुंडलिनी जो है वो शक्ति है और चक्र जो है ये सीढ़ियां, इन सब सीढ़ियों से चढ़ के आखिर प्राप्त एक ही करना है, वो है शिव तत्व। सारे देव देवताओं को इसी में एक संलग्नता है, इसी में एक विचार है कि आप सबको शिव तत्व पे पहुंचा दें, ये उनका कार्य है। और वो उस कार्य में पूरी तरह से लगे हुए, वो ये नहीं पूछते इसमें हमारा क्या होगा, हमारी स्थिति क्या, हमारी पोजीशन क्या, हम कहां बैठे हैं, मनुष्य के जैसे नहीं सोचते। वो अंग प्रत्यंग उस शिव के ही है और शिव तक मनुष्य को पहुंचाने के लिए कार्य तत्पर रहना उनका स्वभाव है। अब उनको कुछ लेक्चर देने की जरूरत नहीं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं, उनके जो काम है वो बंधे हुए हैं, वो अपने काम पूरी तरह से करते हैं और उसमें बंद है। अब उनका जो काम है वो भी एक अकर्म सा है, वो भी एक अकर्म है, वो सोचते नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रकाश आप कोई बिजली से आ रहा है और उसमें जड़ होने के कारण कोई शक्ति नहीं कि वो सोचे, और क्योंकि ये सब देवता लोग ये विचारिता में बैठे हुए ये भी कुछ सोचते हैं और जानते भी नहीं कि उनमें क्या शक्ति है। जैसे कि
खाने की चीनी है, शुक्र है, साकर, वो सब मिठास दे, और वो नहीं जानती कि उसके अंदर मिठास है। इसी प्रकार सहयोगी जब कार्यरत होते हैं तो वो ये नहीं जानते कि हमारे अंदर ये शक्ति है इसलिए हम कार्यरत हैं, बस हमारे कार्य। जिस वक्त आप लोगों के दिमाग में ये बात आए कि हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, हम लीडर हो गए, हम ये हो गए, तब सोचना चाहिए कि आप सहयोगी नहीं। सहयोग में मनुष्य अकर्म में आ जाता है, वो करते रहता है, दिखने को लगता है कि ये कर्म कर रहा है पर उसको ज्ञात नहीं होता कि वो कुछ कर्म कर रहा है। उसका प्यार, उसको मालूम नहीं होता कि वो प्यार कर रहा है पर लोग जानते हैं वो बहुत प्यार कर रहा है। इस प्रकार हमें समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार क्या, एक है आप स्वयं जो है सो, और आप अपने को शीशे में देख रहे हैं, वो आपका प्रतिबिंब है, आप है और आप शीशे में देख रहे हैं, वो एक प्रतिबिंब है, और उस प्रतिबिंब को देखने की जो क्रिया है, देखना मात्र जो है, ये इसी चीज है। इस प्रकार आप तीन दायरे में घूम रहे, एक तो आप देखने वाले, एक जो आपको दिखाई दे रहा है और जो देखने के लिए, ये तीनों ही चीज खत्म हो सकती है। कैसे? इधर आप ही शीशा बने, आप ही अपना आईना बन गए, आप अपने को देखते रहते, अपने को जाने लगे। यही तुकाराम ने कहा कि जब आपने अपने को जान लिया फिर और जानने की जरूरत क्या? तब ये तीन नारे टूट करके आप स्वयं में स्थिर हो गए। यही स्थिरता जब पूरी तरह से बन जाती है तब कहना चाहिए कि शिव तत्व स्थिर है, क्योंकि शिव तत्व अटूट है, अटल है। इस शिव तत्व में जब आप बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने में समा रहे हैं। फिर आप ये भी नहीं खोजते हैं कि मुझे कुछ और करना चाहिए, जैसे आजकल बहुत से लोग कहते हैं हम बोर हो गए, क्योंकि आप अपने को देख नहीं सकते, आप अपने साथ रह नहीं सकते, आप अपने साथ 5 मिनट बैठे तो आपके साथ बात खड़े हो जाए, और मेरे लिए तो अपने साथ बैठना सब चुप है। इस रस को आप प्राप्त करते हैं तब एक भोलापन आपके अंदर है। कोई कहेगा कि वो तुमको ठगा रहा है तो ठगा, वो तुमको मार ले आ रहा तो आ, वो तुम्हारा ये बिगाड़े तो बिगाड़े, आगे होगा। अगर हम आत्मा है और जिसे कि कोई नष्ट नहीं कर सकता, तब हमें कौन नष्ट कर सकता? किंतु ये विश्वास हमारे अनपहता बड़ा मुश्किल। आत्म साक्षात्कार के बाद आप सहयोगी हो गए, लेकिन शिव योगी होने के लिए बड़ा विश्वास किया। अब जैसे कोई साहब जा रहे तो कहेंगे भाई वहां कर्फ्यू, हम कैसे जाए? आप सहयोग, आज तक इस बंबई शहर में कोई भी सहयोगी को नुकसान नहीं, भूल गए आप सब,
आगे पीछे देवदूत गण सब लगे, लेकिन जैसे ही आपका विश्वास टूटा उठा लो या मरो, और जब विश्वास बना रहा तो आप चले जा रहे हैं, किसी को आप दिखाई भी नहीं देंगे, और जिनको दिखाई देंगे कोई पार हो जाए। ऐसे नाना प्रश्न हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि हम मानव हैं अभी, और तरह तरह की असुरक्षितता इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर बनती, और उनकी वजह से हमारे विश्वास जो है टूटते जाते। दूसरी बात कि हमसे कोई गलतियां नहीं होती, ऐसी भी बात नहीं, कुछ गलतियां हो जाए, उस गलतियां होने के फलस्वरूप एक तरह का हमारे अंदर भय आ गया। लेकिन शिव जी की विशेषता यह है कि वो क्षमाशील है, क्षमा के सागर। आपके गलतियां तो भी कुछ नहीं, पर आप उसके दरवाजे में बैठे हैं तो क्षमा कर देते हैं आप पूरी तरह से, तब आपको भय क्यों हो। दूसरा वरदान उनका है निर्भयता, बिल्कुल निर्भय होना चाहिए। उनकी कोई सेना नहीं है, आपने तो जाना ही है कि जिस वक्त अपनी बारात लेके वो पहुंचे थे तो पार्वती जी को तो शर्म आ रही कि कोई एकाक्ष लेके पहुंचे, कोई लंगड़े, कोई पागल दिखने वाले हिप्पी जैसे लोग कुछ हुआ साथ में, अजीब सजीब लोगों को लेकर पहुंचे बारात। मतलब ये कि शारीरिक कुछ भी व्यंग हो और जनसाधारण के लिए ऐसे लोग कुछ विक्षिप्त से लगे और विक्षिप्त से लगे अवगण लगे, लेकिन उनके अंदर शब्द। इसीलिए शिव के कोई भी प्रावधान की जरूरत नहीं, उनके मंदिरों में कुछ सोने चांदी के चढ़ाने की जरूरत नहीं, मुक्त बैठे किसी भी चीज में ऐसी शक्ति नहीं कि उनकी शोभा बढ़ाए, ऐसी कोई संसारिक दृष्टि से मूल्यवान कोई सी भी ऐसी वस्तु शिवजी के लायक नहीं। इस तत्व को हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। आज समाज में, संसार में अगर देखें तो पैसे का मूल्य जरूरत से ज्यादा है, हर आदमी पैसे का ही मूल्य देखता है, किस चीज में पैसा मिलेगा, क्या करने से पैसा मिलेगा। और पैसे के मूल्य में सभी चीज को बेचने को तैयार है, पैसे तो नष्ट भी हो सकते हैं, दुष्ट कर्म में भी डाल सकते हैं, बच्चों को बिगाड़ सकते हैं, इसके इतने दुष्परिणाम। लेकिन शिव तत्व में बैठा हूं मनुष्य, उसको किसी चीज की इच्छा नहीं, निरिच्छ, क्योंकि वो अत्मन्य अत्मनिष्ठ, अपने आत्मा से ही वो अपने उसकी आत्मदृष्टि है। वो कहीं आप सुना दीजिए शरीर के कोई उसको चिंता नहीं होती, शरीर के आराम की उसको चिंता नहीं होती, कहीं भी सुना दीजिए उसको, कुछ भी खाने को दे दीजिए नहीं तो मत दीजिए। और फिर
ये दशा आ जाती है तो वो सभी चीजों पर अधिकार करते हैं। जैसे आपने ऐसे आदमी खाने को ले दिया वो कारक, लेकिन वो एक नजर खिला दे तो हजारों आदमियों को खाना दे सकते, उनको शरीर को कोई आराम नहीं, सोने के लिए उनके लिए पालतू को सुला दिया, लेकिन उनकी नजर बाका जिस पर पड़ जाती वो धनदान से पड़ जाए। अब ये कौन सी शक्ति है जिससे वो सबका कल्याण करते हैं? वो है परम चैतन्य, और उसका जो स्पंदन है जिसे कि शंकराचार्य ने स्पंद कहा, इस स्पंद की शक्ति उनके शरीर से बहती रहती है, और जिस आदमी को वो छू जाती है उसी का काम हो जाता है, जिस भूमि पे वो पड़ जाती है वो भूमि बहुत ज्यादा फल फूल देने वाली बन सकती है, स्त्री पे पड़ जाएगी वो बड़ी सुबुद्धि वाली और बहुत यशदायी स्त्री हो सकती है, जिस पर पड़ जाए उसका भला ही हो सकता। स्पंद ऐसी चीज है कि जिससे अच्छा ही आ सके, बुराई नहीं, कोई आदमी आपको मानने पाए उसका परिवर्तन हो सकता है, कोई आपको सताने आए उसको सुख भी आ सकता है। एक तरह की जो परिवर्तन की शक्ति इस स्पंद में है ये बड़ी हमारे लिए समझने की बात है, इसलिए हर आदमी को आपको क्षमा कर देना चाहिए, आप क्यों उसका बदला लेना है, कोई जरूरत नहीं, आप सोची है इस स्पंद पे छोड़ दीजिए, इस वाइब्रेशन पे छोड़ दीजिए, ये सब समझते हैं सोचते हैं सब कुछ पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर, इस शक्ति को आपने प्राप्त किया ये आपने से अव्याहत पहले इस शक्ति को आपने आजमाया देखा कि इससे कितना फायदा होता है। अब जो लोग बुद्धि से इसको जानना चाहे वो नहीं जान सकते, लेकिन आपको अनेक चमत्कार देखिए, और ये कितनी प्रचंड शक्ति, इतनी ऊंची शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है जो कार्यान्वित है और आपको मदद करे, और आप इसके अधिकार को प्राप्त हो रहे। उस वक्त हमें यही सोचना चाहिए कि अगर शिवतन होने से ही हमें हर एक चीज पर पूरे पर्यावरण पे आग बढ़ा कर शिवतन में चल सकता है, अगर पर्यावरण का बड़ा भारी संकट संसार को छा जितना जो भी होंगे उतना पर्यावरण छू जाए अपने आप छू जाए। इसके अधिकार पर अधिकार पथ में आने के लिए सब पहले हमें ये कर लेना चाहिए कि अब हम मानव स्थिति में, हम अब दैवी स्थिति में आ गए, तो मानव स्थिति की जो हमारे अंदर गलतियां हैं जो खींच है उससे हमें छुट्टी मिलनी चाहिए, ये मानव स्थिति हमें खींचती रहनी चाहिए, बस मानव स्थिति हमें और बार बार हमारे ऊपर आक्रमण कर, ऐसे ही हम जड़ से पैदा हुए, पहले तो आत्मा का था इस जड़ से ही रहा और अभी यह जड़ का बीच में खींचा,
पहले जमाने में उन्होंने बनाया था कि उपवास करो, फिर जमीन कैसो, फिर संन्यास लो और तलवार छोड़ के भाग कर जाओ, हिमालय में रहो और मर जाओ, क्योंकि किसी को कुछ खा नहीं खा रहे। पर सोचते थे लोग कि इस तरह के कई जन्मों में तपस्या करने से अंत में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। लेकिन आज का सहयोग ऐसा है जहां आप पहले अपने आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, मराठी में आगे कलश समर उपाय कि मंदिर का कलश बनाओ और फिर उसके फाउंडेशन को बनाए। क्योंकि अगर बहुत लोगों को कराना है और जिसकी जरूरत है, यही तरीका हमने सीखा है। और हिमालय में जाए बगैर, अपने शरीर में रहे पर छोड़े बगैर, कुछ ऐसी आंख उठाए बगैर ही आप लोगों ने आप साक्षात्कार को प्राप्त किया, ये तो बात ही है। और आपसे स्पंद बहने लगे, आपने स्पंद की शक्ति दिया, यह सब तो उन्होंने काम कर लिया। अब आगे आपको काम करना है और वो काम क्या है, पहले तो अपनी ओर देखना। जब आप शिष्य हो गए तो अपने शिष्य को, तो आप शिष्य है तो आप अपने को देखिए, पहले अपनी ओर नजर कर लीजिए कि मैं भी एक सर्वसाधारण मानव के जैसे रह, शराब छूट गई, सिगरेट छूट गई, अनियम मुंह से निकलना बंद हो गया और स्वभाव भी बहुत शांत हो गया, चेहरे पे भी मासूमियत आ गई, कुमरन आ गया, सब छोड़। लेकिन अभी क्या मैं अपने को देख सकता हूं? क्या मैं अपने को अपने मन में रख सकता हूं कि मुझे मैं बोर हो जाता हूं, पहली चीज इसी से देख लीजिए, आप बोर हो जाते हैं। क्या मैं अपने में मन पाता हूं, मैं अपने ही से आनंद प्राप्त कर सकता हूं? और क्यों नहीं कर सकता, पर आप बुद्धि से विचार कर सकते क्या है? मैं अभी इस चीज में अटका हूं, मैं अभी उस चीज में अटका हूं, मैं अभी उस चीज में अटका हूं, और जिन चीजों में आप अटके उसमें अटक नहीं जा रहे। अगर आप भोले हो तो अटके ही ना, कोई चीज आपको अटका ही नहीं सकती। और जिन चीजों में आप अटक रहे थे वो आपको बांध लेंगे और फिर से आप में वही मानवीय जीवन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन चीजों को देखें, हाँ ये चीज हमें अटका रही है, ये हमारे अंदर एक चीज है, देखने से ही ये चीज गिर जाएगी, इसके और दृष्टि करने से ये चीज चलेगी। अगर हमें एक नए संसार बनाना है, एक बहुत सुंदर ऐसी विश्वात्मा की इच्छा है, एक विशेष तरह की प्री तैयार है, विशेष तरह के लोग तैयार है, ऐसे जन हो कि जो खालिश, इसके बारे में अनेक संसाधनों ने और सब ने इच्छा की थी। वो अगर आपको करना है तो फिर ये जरूरी है कि आप अपने शिव तत्व को ठीक करें। शिव तत्व में आप जान लेंगे कि आप में अभी क्या क्या चीज घुसी हुई। जैसे आजकल हिंदू मुसलमानों का झगड़ा चल, कोई हिंदू हो जाने से शिव तत्व नहीं पाता, ना मुसलमान होने से नहीं पाता, ना ईसाई होने से पाता है और ना ही कुछ होने से पाता है। ये सब बाह्य के आडंबर है। लेकिन जब आपके शिव तत्व प्राप्त होता है तो आप श्री राम को भी मानते हैं और
और मैं चांद को भी मानते हैं। मानते ही जैसे श्री राम की पूजा करते ऐसे ही आप मोहम्मद साहब की पूजा करते हैं। जब तक आप शिव तत्व को प्राप्त नहीं होते आप इन धर्म के आडंबरों से निकल नहीं सकते हैं। आप कुछ भी उसमें अपनाते रहे कि स्वभाव हो स्वभाव वगैरह कुछ नहीं चलते। अलग से उनकी भी उतनी ही पूजा होनी चाहिए जितनी आप श्री राम करते। जो रही है वही शिव है और जो रहमान है और जो अकबर है वही विश्व है। तब फिर ये अंदर की जो भावनाएं हैं ये ऐसी विकसित हो जाएंगी कि आपके अंदर से धर्म का सुगंध बहेगा न कि वैमनस्य। पर ये चीज घटित होने के लिए मुझे तो सहयोग के सिवा कोई मार्ग दिखाई नहीं। जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक लोग ऐसी पूजा करेंगे, क्या मुसलमान राम की पूजा करेंगे और क्या हिंदू मोहम्मद साहब की पूजा करेंगे। हम लोग तो करते हैं मोहम्मद साहब की भी अली की भी फराबी की भी बुद्ध की महावीर की पूजा कर, क्योंकि ये सब पूजनीय है। हम कौन होते हैं किसी को बड़ा बड़ा करने वाले। पर जब शिव तत्व के सागर में आप खुल जाते हैं तब आपको पता होता है कि ये सब शिव तत्व के ही अंग प्रत्यय हैं और ये सब अपने ही हैं, हमारे ही अंदर। जब तक इस तरह से धारणा हमारे अंदर नहीं होती, हाँ हो सकता है इस सहयोग का कार्य कुछ कम तेजी से चले और वैमनस्य से बहुत जल्दी चल सकता है, लेकिन सहयोग ठोस चीज असली चीज है। और ये जो बाह्य की चीजें हैं ये थोड़ी देर के लिए आई गई खत्म हुई मारा पीटी हुई सब कुछ हुई। आश्चर्य की बात यह है कि प्रदेश में सहयोग इतने जोर से फैल रहा है, इतनी गहनता से फैला है, बड़े कहन लोग बहुत ही कहन। ठोस ध्यान करना रोज अपने और नजर करना बहुत ही गहन लोग हैं। इन लोगों से हमें सीखना चाहिए। आखिर इन्होंने तो कभी शिव जी का नाम भी नहीं सुना। ईसा मसीह के सिवाय इन्होंने शिव जी का नाम भी नहीं सुना, ये तो जानते भी नहीं थे। फिर ये इतनी गहनता में कैसे उतरे? हम लोग रोज ही सुनते रहते हैं, मंदिरों में जाके घंटियां बजाते हैं, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं, चर्च में जाके प्रेयर करते हैं और सब ठन गोपाल। और ये लोग जिन्होंने कभी मेरे ख्याल से भगवान को भी नहीं याद किया हो, इन लोगों में ये काम था कैसे आ गया? रशिया के लोग देखिए, एक गांव में 22,000 सहयोगी बैठे हैं रशिया में 22,000। तो ऐसे हम लोगों में कौन सी खराबी आ गई कि जिसके कारण हम लोग उस घंटा में नहीं उतरते। उसकी वजह ये कि रोज हम अपने को देखते नहीं, ध्यान नहीं करते। पहले अपने को देखना चाहिए, अपनी और नजर चाहिए। ये नजर इन लोग में कहां से आएगी मैं नहीं बता सकती, इसको किस चीज ने उनके अंदर स्फुरित किया मैं ये नहीं जानती। देखिए परिणाम रूप कर देखिए तो बड़े ही धन लोग हैं। कभी मुझसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पैसे का क्या होगा या हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे रिश्तेदारों का क्या होगा, बाप का माँ का, ये सब कभी नहीं। ये कि माँ मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या प्राप्त।
और ऐसे ही वो इस तत्व में आ गए, उनके सारे प्रश्न अपने आप ही हल हो गए, क्योंकि शिव तत्व में शक्ति ये है कि वो सारे प्रश्न को ही कर रहे, उनके प्रश्न अपने आप ही हल हो जाए। वो कहते क्या प्रश्न करने से पहले ही प्रश्न हल हो जाए। हमने कहा भाई तू उसका क्या, वो तो हो गया वहां पर, क्या कैसे हो गए, भगवान की कृपा से भी हो गया, वो भी हो। और जो लोग शराब पीते सब करते थे, क्या दुनिया भर की चीजें बेचारे करते थे, वो पता नहीं ऐसे उस दलदल से निकल करके आकर किनारे पे बैठ गए। हम लोग अभी भी किसी ना किसी चक्कर में थोड़ा घूमते गए, इस चक्कर को खत्म करना चाहिए। आज शिवरात्रि के दिन विशेषकर अपने शिव तत्व पे उतर, वो आपको सारे गुणों से अलग कर देंगे। सारे शिव तत्व में ऐसे गुण है कि सहज में ही आपके अंदर धर्म आ जाए, सहज में ही आपके अंदर सुबुद्धि आ जाए, सहज में ही सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाए, सहज ही आप में माधुर्य आ जाए, सहज में ही कल्पना आ जाएगी। मैं कहती हूं कितने ही गुण सहज में आपके अंदर आ सकते हैं, लेकिन पहले ये जान लेना चाहिए नम्रता पूर्वक कि अभी हम उस तत्व पे उतरे हैं और हमें उतरना है। और दूसरे ये कि सारी सर्ज भी हमारे से रसपुटित हो गई, सर्ज कुछ करना नहीं पड़े। इस तरह से हमें अपनी ओर देखना चाहिए, क्या मेरे पति ने सर्ज होगा तो नहीं करने दो, मेरे बेटे ने सर्ज करो करने नहीं करो, कि जबरदस्ती छुपा नहीं सकते सर्ज होगी, ये तो आंतरिक चीज है, जिसको पाना है वही पा सकता है ना, तो नहीं करा तो मत करने दो। आप अपने को देखो, अपने को जानना, अपने को देखना, यही आत्म साक्षात्कार है। फिर आपको देख करके लोग सहयोग में होते और इस परम तत्व को पाने के बाद आप कितने शक्तिशाली हो जाएंगे कि न जाने कितने लोगों को आप परिवर्तित कर दें, ये संसार बदल दें। ये संसार बदलने के लिए मैं कहती हूं कोई कह रहा है कि डेमोक्रेसी हुई तो डेमोक्रेसी की ये खराबियां डेमोक्रेसी की नहीं, वो खराबी इंसान की है, जिसको अब्राहम लिंकन ने सोचा कि सभी शिव तत्व पर बैठे, कोई सी भी चीज आप ले आओ वो खराब होनी ही होगी, उसमें बिगाड़ आना ही हो तो उसमें बिगाड़ने के तत्व है। जैसे हम लोग अचार बनाते हैं ना घर में, तो बहुत उसको सफाई करके धोकर सुखा करके ऐसा ना कि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं रह जाए, कोई ऐसी चीज रह जाए जैसे अटक रहा हो, वैसे ही हमारा ऐसे लोग आए था। कोई सा भी आप समाज बनाओ, कोई सी भी आप चीज बनाओ, वो सबका यही होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर फिर उसके अंदर दोष है। जब तक मनुष्य के अंदर दोष रहेगा, ये जो भी चीज वो बने रहेगा उसमें दोष आना ही हुआ। थोड़े दिन चलता है, जिसके कारण काजी जी ने इधर चलाया था तो थोड़े दिन चला, और उनमें भी बड़े दोष हुए, अजीब अजीब लोग मैं तो जानती को, पर तो भी क्योंकि एक जोश था देश को स्वतंत्र करने का, ये करने का, वो करने का, चलो भाई लड़ पड़े,
अब तो ऐसा भी लगता है कि स्वतंत्रता मिलके वो क्या खासा। मुझे तो वंदे मातरम पे बहुत दुख हुआ कि आपकी माँ की स्तुति किसी भी भाषा में, क्या मेरी स्तुति आपने जान कितनी भाषाओं में होती, आपको क्या बुरा लगना चाहिए। ये वंदे मातरम बड़ा भारी मंत्र है, इसको लेकर के ये देश स्वतंत्र। मेरे पिताजी झंडा लेकर के चले हाईकोर्ट पर, उनको गोली मारी, लेकिन खून बहता रहा, वो चढ़ के ऊपर गए और झंडा फहराया, वहां से एक नारा लगा वंदे मातरम। हम लोग के सबके दिल जो थे तो इस तरह की चीजें इस देश में हो रही थी वंदे मातरम। अरे ये देश क्या है कुछ जानते हैं कुछ है। तो ये हो क्या रहा है, किसके लिए स्वतंत्र है देश क्या, सुना था तो जानते नहीं स्वतंत्र हो गए। इस तरह से हमारे अंदर की जो गहन उदात्त भावना है, उन भावनाओं को ही बांधने वाले शिव जो हृदय में प्रेम है और जो सबके प्रति एक आत्मीयता है, वो देने वाले शिव है जो हमें ऐसी शक्ति देते हैं कि हम अपने प्रेम को और अपनी आत्मीयता को एक बड़ी आह्लादायी चीज समझे, एक तरह का आह्लाद, जैसे वंदे मातरम कहते ही जो एक आह्लाद हृदय में होता है वो शिव तत्व से। आज शिव जी की स्तुति गाते हुए वही आह्लाद आप लोगों में, आपकी माँ की स्तुति कोई गाता है तो वही आह्लाद, ये शक्ति शिव हमें। इसीलिए आनंद बताए उन्हें कर, आनंद में बहुत सारे अंग हैं, आनंद में निरानंद है, उसमें सिर्फ आनंद, उसमें बहुत सारी चीज है, आत्मानंद है और अनेक तरह के उसमें आनंद आह्लाद। लेकिन आह्लाद जो है ये हमारे भावना से छुटा, भावना से भावना में उभर कर जो भावना है हमारे अंदर बदली हुई, जैसे कि एक फूल से उसका सुगंध मुखरित होता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में जो भावनाएं हैं किसी चीज के प्रति अत्यंत अच्छी उदार प्रेममय सुंदर ऐसी भावनाएं हैं, शुद्ध भावनाएं हैं, उस भावना का जो सुगंध है वही आह्लाद, इससे हम उस आह्लाद के आनंद में और फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। इसको उभारने वाले, इसको जतन से रखने वाले और उचित समय पर इसका अनुभव ले जाने, ये चिड़ी ही है क्योंकि ये स्पंद के माध्यम से हमें दे। अभी भी किसी भी बड़े संत साधुओं का नाम लो, सारे बदन पे जैसे कांटे खड़े हो जाते हैं, सिंह से आ जाते हैं एकदम से, स्पंद जो वाइब्रेशंस दोनों पहना शुरू है, किसी का भी नाम हो। अब ये इन भूवादियों को क्या समझाए, तो आगे गए और जो कुछ बचा वो घोड़े इनके खोपड़े में कोई चीज घुसा नहीं सकते, घुसाने कोशिश मत कर। आपको चाहिए कि आप अपना ही जीवन इतना सुंदर बनाइए, ऐसा समाज बनाइए कि ये पीछे रहे,
और ये देखे कि ये समाज क्या है, अपने बुद्धि चातुर्य से इन्होंने लोगों को अपने अंदर कर लिया। कितने भी लोगों फंसा रहे, कितने भी जगह ये मगले चलते रहते हैं, इधर सुधारना उधर सुधारना, और इधर गया उधर उधर गया। लेकिन आपका समाज ऐसा बने जो आज बना हुआ है, आपस में हमारे कोई झगड़े नहीं, ऊंच नीच नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह का ही बात। अभी एक साहब बता रहे थे कि दिल्ली में कोई सहयोगी मर है तो वो बहुत बीमार, तो उनके उत्तर क्रिया में कोई नहीं आया, उनके रिश्तेदार नहीं आया, सब सहयोगी ने अपनी तरफ से। एक चीज कहीं हो जाती है तो दुनिया भर से लोग उससे दौड़ने लग जाते हैं उसकी मदद। कोई ये नहीं सोचता कि मेरा रिश्तेदार है कि नहीं है, इसे निर्वाह निर्वाह की फिल्म। इसलिए सहयोगी हम भी सहयोगी, बस हमारी एक माँ है, सब एक साथ, एक दूसरों को मदद करने के लिए, एक दूसरों को संभालने के लिए, संभालने के लिए। आपको जो उद्यत करते हैं उधर आपको मोड़ते हैं, आपको खींचते हैं, वो शिव तक चिंता ही लगी रहती है तो सहयोगी ठीक नहीं। चिंता ये जो चिंता है इसमें कोई लेन देन की बात नहीं है, कुछ उस पर लाभ सोचा नहीं जाता, बस एक ही उसको तकलीफ है। ये जो निदान आपस की जो खींच है, जो आत्मीयता है, या आप शिव तत्व से प्राप्त कर सकते, और किसी भी तत्व से आप प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए मनुष्य को शिव तत्व में उतरना चाहिए। सारे झगड़े सारे झंझट चली जाए। आपने सुना होगा कि बोस्निया में 200,000 लोग भूखे मर रहे हैं, मुसलमान, छोटे मुसलमान। बहुत आंतरिक बात, तकलीफ की बात, 200,000 लोग बस खाने पीने को नहीं, वो बर्फ टिगला के वो पानी पी रहे हैं, और जब लोग बचाते हैं तो उन्हीं का गोश्त खा रहे हैं। इतनी दुर्दशा में लोग हैं और किसी को उनके प्रति आत्मीयता नहीं, कोई उनको समझता नहीं कि वो लोग मर रहे हैं। मुसलमान देशों में इतना पैसा है, कोई नहीं जाता उनको बचाने, किसी ने कुछ नहीं किया, मरा ही जाए। ये सब खत्म हो जाएगा जिस दिन संसार में शिव तत्व प्रस्थापित होगा, ये सब ठीक हो जाएगा, फिर सब सहयोगी हो जाएंगे, सब विश्वधर में उतर जाएंगे, ये जगह सब खत्म हो जाएंगे। कहते हैं कि 8-9 साल में ही यह सब घटित होना है। देखिए कितने लोगों की समझ सहज तक पहुंचती है, इतनी समझदारी लोगों में है। कहा आप लोगों पर निर्भर है कि आपके शिव तत्व के प्रकाश से दुनिया प्रभावित हो जाए, और ये जो हमें आपको दिखाई दे रहे हैं जो मनुष्य की ही मूर्खता से पैदा हुई है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आज शिव जी को यही मानना है कि ये शिव तत्व हमारे अंदर स्थापित हो, यही एक प्रार्थना शिव जी से करनी है कि शिव तत्व को हमारे अंदर आ स्थापित। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं, बहुत लोग बड़ी बड़ी पोजीशन में चले जाते हैं, बड़े बड़े उनको किताब मिलते हैं, सब कुछ होता है, ये तो मिलते ही रहता है। लेकिन आज का जो आंदोलन है, आज की जो क्रांति है, वो क्रांति मनुष्य के परिवर्तन की और सारे संसार को ठीक करने वाली है, और उसके लिए कोई त्याग नहीं करने का कि मैंने ये त्याग किया, मैंने वो त्याग किया, या अपने आप छूट गए। जब सब कुछ छूट गया, तब
फिर परेशानी भी थी। इस युद्धत्व में आप सब लोग उतरे, ऐसा ही हमारा आशीर्वाद।